Sonakshi. Hi. How are you? Good, how are you? I'm very good. This is good Shibani. Hi, Shivani. Hello. Myself, Dr. Salla Gulati. Anji? Dr. Gulati. When did you become a doctor? The child is a child. The child is a child. So, then the child is a child. Sit down. Sit down. Sit down. Come on, Salla. हिसाब की बात की है तो मार्च एंडिंग हो गई है हमारा हिसाब किताब कब होगा तुम्हें पता था ना हमारे पास चिल्लर नहीं है तुमने इसीलिए ये लाइन बोली ना सोनाक्षी बट यू नो सोनाक्षी जैसे आपकी फिल्म में नूर का कुछ नहीं हो रहा ऐसे मेरी लाइफ में भी मेरा कुछ नहीं हो रहा सबकी हर लड़की की यही कहानी है मैं कह रही हूँ ना आप सब नूर जाके देखोगे ना सब कोई ना कोई बोलेगा अच्छा ये तो मैं अरे मैं भी ऐसी हूँ मेरे साथ भी यही होता है मैं भी ये करती हूँ इतनी ज़्यादा relatable है हाँ तो तुम्हारा क्यों नहीं कुछ हो रहा एक एपिसोड में दो बार तो आ रही हूँ अभी तो तुम्हारा होना शुरू हुआ है ऐसे कुछ ही बोलती है चला जाओ अभी मेरा सरदर्द हो रहा है मैं सोनाक्षी से बातें कर रहा हूँ आई नो तो ठीक तो सिरदर्द हो रहा है मैं चेक कर लेती हूँ आओ बैठो बैठो कम सिट आई एम अ डॉक्टर कम ऑन सिट कैसे चेक करोगी तुम बैठो तो सही आराम से बैठो आई विल चेक यू प्रॉपरली देख लो पहले हार्ट बीट यहाँ अति चेक देखो कहाँ कर रही है ये चेस्ट होता है हार्ट बीट मैंने बोला मैं हार्ट बीट चेक कर रही हूँ हाँ सांस लो डीप प्लीज ले ही रहा हूँ इतने सालों से और ऐसे थोड़ी जिंदा हूँ मैं देखो कपूर शर्मा तुम्हें बीवी की प्रॉब्लम है बीपी की नहीं मुझे बीवी की प्रॉब्लम मुझे बीवी नहीं मिल रही है तुम देखो मैं तुम्हें दवाई लिख के देती हूँ तुम ठीक हो जाओगे क्या क्या बोल रही हो नहीं मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली बीवी डॉक्टर बने अब शिबानी और सोनाक्षी एक्टिंग छोड़ के डॉक्टर बने मतलब बोलो बोलो तुम जितना मर्जी चाहते हो ना बोलो क्योंकि जिस दिन मैं किसी और के साथ शादी करके चली गई ना तुम रोते बैठोगे बहुत रोगे तुम बहुत रोगे ये तो सीधे सीधे चुटकुला सुनाया इसने कुछ भी कहा लड़की मेहनत कर रही है हाँ बहुत अच्छी है आज तूने आके ये नहीं कहा कि मैं आपकी बड़ी ह्यूज फैन हूँ अरे बट वो तो सोनाक्षी को पता है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर शी नोस बच्चों के सामने मत कहना ह्यूज डर जाते बच्चे ह्यूज जब कहती ना मुंह ऐसा बना दी ना आई एम अ ह्यूज फैन क्या है पापा मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे कौन कुत्ते हाँ कुत्ते तो कुत्तों को बताना चाहिए था ना तुम इनकी बेटी इनका तो उठना बैठना उनके साथ अब तो इतनी दोस्ती हो गई है कुत्तों के साथ गाड़ी के पीछे भागते हैं मैं तो कोई दोस्ती नहीं है उनका लाका लग है मेरा लग है कोई दोस्ती नहीं है भाई कपूर तुम बताओ तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो एक मिनट तुम अपने बाप के सामने से फ्लैट नहीं कर सकते क्यों नहीं मेरा होने वाला पति है तुम्हारा होने वाला पति है देखो जी मेरे किस्मत सिद्धू साहब मैंने प्रभु जी के साथ इसका रिश्ता करने की सोची है और ये शब्द आलुओं के साथ अपना रिश्ता जोड़ रही है शब्द आलू प्रभु सर प्लीज 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 मैं ना मैं आपके पांव पड़ता हूँ मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए इससे शादी वगैरह जो भी आपका मन हो प्लीज कर लीजिए प्लीज मेरे बेटे को स्वीकार कर लीजिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी 12 नाती मून वॉक करे प्लीज मेरी बात मान लीजिए मेरी इज्जत आपके हाथ में आप गंजे आप गंजे बाबा पहले किसी को नहीं बताना मैंने जज्बातियों के निकाल दिया बेटू लेकिन पापा मुझे कपूर से शादी करनी है पापा मुझे कपूर से शादी करनी है चुप कर बेटी मुझे तेरे बिहेवियर से लगता नहीं है कि तू एक डॉक्टर की बेटी है सही कहा आपने ऐसे लगता है जैसे 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 ये भिखारी की बेटी है मत तुमने मुझे भिखारी कहा मैंने कब कहा आपको भिखारी नहीं मुझे पता ना मैं कैसा लगता हूँ तुम मेरे को पता पापा जब भी मेरी शादी की बात होती है आप क्यों अपना भिखारीपन बीच में घुसा देते हैं क्यों बेटे आ जाता है सोनू आई हैव अ रिक्वेस्ट आप कपू से पूछिए कि मेरे में क्या कमी है लाइक
हीमोग्लोबिन की। बेटा मैं बता सकता 200 कमियां तेरी आदि का कब से कर। ये आपसे नहीं पूछा है, मैंने सोनू से पूछा है, सोनू विल हेल्प मी आउट। बहुत आसान है यार सला, मैं आपको बताता हूँ एक एक तरीके से, अगर आप दिल से उसे प्रपोज करेंगी ना तो कभी मना नहीं कर सकता। तो मैं अगर कप्पू को प्रपोज करूँ वो मना नहीं करेगा? कभी नहीं कर सकता, देखिए उसका तरीका है। क्यों ना तमन्ना की हेल्प लें उसमें। तमन्ना की हेल्प क्या लेनी मतलब? नहीं मैं बताता हूँ ना, तमन्ना आप इधर आए यार प्लीज। मतलब व्हाट डू यू मीन? मैं जैसे तमन्ना के साथ प्रपोज करूंगा वैसे ही आप कप्पू के साथ प्रपोज करेंगे? एक मिनट, फिल्म में भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप कर रहे हैं, हम क्या इधर किस लिए आए हुए? I mean, but... नहीं नहीं आप कीजिए, I will propose. मुझे नहीं सीखना बाजी, मुझे नहीं। I will propose. नहीं बात कर रहा हूँ। Hi Anushka, how are you? तुम्हारी सहेली अनुष्का, आ गई हो तुम कॉन्फिडेंस के साथ, राम राम मालकिन बोलो चलो। अरे फिल्म की प्रोड्यूसर बन गई है, क्या पता कल को फिलोरी का नेक्स्ट पार्ट बने, तुमको हीरोइन ले ले। पर फिलोरी का नेक्स्ट पार्ट में अगर ये होगी तो फिलोरी नहीं होगा नाम, फिर क्या? फिर होगा गिलहरी, भूखी गिलहरी। आई लाइक दैट। आप क्यों कप्पू के सामने ऐसी बातें करते हैं? उसको मौका मिलता है मेरी बेइज्जती करने का। बेटे मेरी चाल है बेटे, अगर तुम्हारे बारे में मैंने करेगा तो मेरे बारे में करेगा ना। तो अनुष्का जी अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको नहीं लगता कि मेरी बेटी हीरोइन मटेरियल है? पापा मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है। अच्छा तुम्हें तो करण जौहर बाहर खड़ा ना लॉन्च करने के लिए, तुम्हें नहीं अपना देखो कैसे कॉन्फिडेंस। मुझे लॉन्च नहीं होना है, मेरे इंटरेस्ट्स अलग हैं। मैं इसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अलग है आपको पता है, ऐसी बरसात होती ना अनुष्का तो मेंढक होता ना उसके पैर में रस्सी बांध के ना वाटर स्केटिंग करती। हेलो वो मेंढक ने मेरे बांध के वाटर स्केटिंग करती, मेरे शोल्डर छिल गए, सारा तुम क्रेडिट मेंढक को दे रहे हो यार। अनुष्का मुझे लगता है कि आपकी फिल्म की तरह कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। किसकी? कप्पू की और मेरी। अच्छा मैं कप्पू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो भी करते ये भी? नहीं 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 मैं कहाँ से करूँगा, आपको लगता है? और नो मुझे लगता है कि मुझे भी भूत बन के किसी पेड़ में रहना पड़ेगा। रहना क्या पड़ता है, भूत बनने की क्या जरूरत है, तुम लोग वैसे पेड़ पर रहते हो। तुम पता अनुष्का इनकी चार दीवारी छत नहीं है इनकी? नहीं ना, इधर ही सोते हैं, इधर इनका घर है। इधर ही इनफैक्ट मेरा भी सेम, मतलब इनफैक्ट इनकी फैमिली में ना अभी डेढ़ हफ्ता पहले कुछ लोग बंदर से इंसान बने हैं। पिताजी तो अभी भी मेरे ख्याल से आपको टाइम है ना? एग्जैजरेशन फालतू का, जस्ट बिकॉज पीपल विल लाफ वी विल से बंदर एंड ऑल। बेटे तुम्हारी शादी का मुहूर्त आ गया, जल्दी से तुम्हारे पेड़ से शादी करते हैं, दूल्हा रेडी है, चलो भाई जल्दी करो। पापा यहाँ कप्पू सामने बैठा है, मैं क्यों पेड़ से शादी करूंगी? बेटे तुम पेड़ और कप्पू को कंपेयर नहीं करना, ना ना ना, ये कप्पू क्या है, पेड़ से तो फल लगते हैं बेटा, ये तो हमारे हमें तो कुछ देगा भी नहीं, ये तो बल्कि हमारा इंटरव्यू ले लेगा, और हमारे पास तो ले दे के बेटे इंटरव्यू यार। अरे लेकिन पेड़ से कौन शादी करता है? तुम कर रहोगे कि फिल्म में भी हुई है शादी, ठीक? अरे वो इसलिए क्योंकि लड़की की कुंडली में कोई दोष था, राइट? लड़की कुंडली में दोष था तो शादी हुई, ठीक है? हाँ। तेरे तो बेटे शक्ल में बड़ा दोष है। कैसे पापा यार? उन्होंने पेड़ से शादी की, तेरे जितने दोष हैं तेरी तो बगीचे से शादी होनी चाहिए। बिहेव योरसेल्फ। बगीचा। चलो जी अभी हम लोग पेड़ तो क्या है यहाँ पे चल के आ नहीं सकता है, दूल्हे पे घोड़े पे बैठ नहीं सकता, ऑब्वियसली पेड़ कैसे बैठेगा ना दूल्हे पे। तो हमने ये डिसाइड किया इन द फैमिली मैटर्स के जो लड़की है वो घोड़े पे बैठेगी। लेके आ घोड़ी ब्रात। आओ जी ब्रात है। आज मेरी बेटी की शादी है, ओए माँ बेटी की शादी है, मेरी भाई बेटी की शादी है, ओए माँ। ये हमारे दामाद जी हैं,
दमाद जी आपको हार किधर से पहनाना है ये बताइए। जूता चुराई की रस्म के लिए तो खोदना पड़ेगा। ये सहरा है? ये सहरा है ऑफ कोर्स। दमाद जी मुंह दिखाई। आज मेरी बेटी की शादी हुई मां। क्या मनोज भाई कोई अच्छा सा डॉक्टर है तो बताओ। इनके पिताजी से तो हो नहीं रहा इनका इलाज। आ जाओ बैठ जाओ। इनका बहुत जगह इलाज करा चुके। आ जाओ बैठ बैठ। क्या बात है, पहली बार बैठने को कह रहा है पाजी। नॉट बैड। ऐसे तुम मुझे देख के ही शुरू हो जाते हो ना। अरे इधर बैठो, ये होती बैठने वाली जगह, ये थोड़ी। क्या बात है, आज तुमने मुझे बैठने के लिए कह दिया। मैंने कह दिया, मेरे पास एक ही सीट है। सिद्धू जी के पास कितनी सारी सीटें हैं, इनको पूछ ले। ये सरला है हमारी पड़ोसन। हाँ, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हाय तापसी। हाय। हेलो सर। वैसे आप लोग यहाँ कैसे आज? वो अपनी मेहनत और टैलेंट से। तुम यहाँ कैसे? पहले अगले मैं अपनी टैलेंट और मेहनत से यहाँ आई हूँ। अच्छा, इसकी एक खासियत है, ये झूठ बड़ा अच्छा बोल लेती है। अभी एक और बोल के दिखा, जैसे अभी बोला था। एक्सक्यूज मी, ये इतनी झूठी है ना, ये तो ऐसे चेयर के पीछे चंगम लगा के वो भी निकल लेती है। इसका झूठ से क्या लेना देना? झूठ छोड़, तेरी एक और आदत तो पता चलेगी ना ऑडियंस को। इधर क्या करने आया है तुम? मैं इनकी फिल्म प्रमोट करने आई हूँ। तू इनकी फिल्म प्रमोट कर नहीं सकती एक्चुअली। क्यों? तापसी की हाइट देख, अपनी देख। तू शॉर्ट फिल्म में प्रमोट कर। दो दो मिनट की आती है ना, जो दो दो मिनट की फिल्म में। आपको पता है मनोज भाई, ये मतलब बहुत टैलेंटेड लड़की है। अभी पीछे ऑटो वाले के साथ जुआ खेलती पकड़ी गई, मैंने 300 रुपया दे के छुड़वाया। कब? कब? अभी पीछे ऑटो वाले के साथ बैठी खेल रही थी। इधर तो स्टाइलिश बन के आई ना, अंदर ऑटो वाले कहती लाल तीन पत्ती ला। कबो तुम कितनी बकवास करते हो। पैसा मिलता है। मनोज सर, ये ना मेरे को बात बात में उलझा देगा। मैंने आपकी फिल्म की ट्रेलर देखी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ओके। वो इसलिए क्योंकि मेरे मामा ना अभी भी पुलिस से रिटायर हुए हैं। हाँ। तो मेरे को एक कनेक्शन फील हुआ। रिटायर रिटायर नहीं बोलते, बोलते रिहा हुए हैं। वो ट्रक का टायर खोलते हुए पकड़े गए थे वैसे। मैं उस वाले मामा की नहीं, छोटे मामा की बात कर रही हूँ। अरे जो रॉ में एजेंट थे वो। कौन सा रॉ एजेंट था? वो शिवरा सिग्नल पे जो पुराने छाते रिपेयर करते हैं। वो वाले। तुमको बहुत पता है ना मेरे मामा के बारे में, कब मिले हो तुम? अरे आ जाना बैठ, गुस्सा क्यों करती है। अच्छा वो तुम्हारे, मैं फूफा जी से मिला था परसों, पीछे पुलिस भाग रही, चप्पल चोर के उठा के भाग रहे थे। हो गया मेरे खानदान का इंट्रोडक्शन देके? नहीं बची है। मैं तापसी से कुछ आपसी बात कर लूं, तुम्हें प्रॉब्लम है? क्या बात है, ओ जा, ये पहली बार सुना है मैंने। तापसी बिल्कुल मत करना, इससे तो कस्टमर केयर वाले नहीं करते। फोन करते हुए कहता है नहीं 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 ऑफिस बंद है आप निकले। कहते फोन कैसे फिर आपने उठा लिया? कहते हमारा दिल किया उठा लिया, चलो तुम निकलो। अच्छा तुम कस्टमर केयर में काम करते थे? आ गई आज सरला। मैं कुछ बात कर लूं मनोज सर से? इधर बैठ के करो ना। थैंक यू सर। आपकी फिल्म राजनीति मेरी फेवरेट फिल्म। एक्चुअली हमारे घर से कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं। मेरे फूफा जी 3 बार एमएलए बन चुके हैं। इनके घर कहाँ कहाँ है मैं। एमएलए बन चुके, कोई एमएलए नहीं, इनका वोटर कार्ड भी नहीं बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये आम आदमी वोट डालने जाता ना तो ऐसे उंगली लगाते, आजकल तो मशीनें आ गई, पहले उंगली डालते तो नीली स्याही लगाते थे ना, इनको नहीं, वो कहते थे हाथ रखो ऐसे थोड़ा टर्न कर, चलो तुम्हारी वोट हो गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आती नहीं। तुम्हें भी इसलिए बुलाया, तुम्हारे पिताजी नहीं आज तो शो करने गए हुए हैं, पुणे में उनका शो है। वैसे वेरी बोरा अंकल, वेरी बोरा अंकल। हाय अच्छे। हाय। ये लड़का कौन है? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये वो है जिसे ये भूल जाए ये होने नहीं देता, अगर तुम भी भूल जाओ ये होने नहीं देगा, ये होने ही नहीं देता। इतने सारे हीरो आ गए, हीरोइन किधर है? हीरोइन जहाँ भी हो लेकिन हीरो हम है। बाकी पानी कम है बात में दमन, लेकिन हीरो हम है। अरे हीरो मैं हूँ, हीरो मैं हूँ।
हीरोइन का। बाजी में तैयार होने क्या गई, यहाँ तो हीरोज की लाइन लग गई। खामोश, दही की पकौड़ी। ये क्या जेवरे की ड्रेस उतार के पहन आये, कौन हो तुम? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो कौन है मेरा हीरो? ये एक्सक्यूज मी, ये हीरोइन है तो सॉरी, मैं माँ का रोल कर लूंगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी चूंकि निरूपा राय की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए माँ का रोल हम करेंगे भाई। हेलो, अब जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसलिए माँ का रोल मैं भी करूँगा। खामोश, पहले हम माँ बन चुके हैं, इसलिए हम बनेंगे। देखो, हम करके बताएंगे। लाला लाला भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लाला ओ लाला, लाला ओ लाला, लाला मुझे भी छोड़ दे लाला। ये क्या लगा रखा है ये सब? मैं भी वही जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन किसी का दिल दुखाता है? कौन है आप? इसको मुक्का मार के इसका मुंह क्यों कोई नहीं सुझाता है? मैं तुम्हारे साथ हीरो बनने के लिए तैयार था मैं। खामोश, चपड़ घोंचू। मेरे चपड़ गंजू और घोंचू दोनों गाली देने का दिल कर रहा, मैंने मिक्स कर दिया। तेरे साथ कोई चुगली ना करे, तेरे साथ फिल्म करेगा। ये है साइनिंग अमाउंट। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चुरा के दिल मेरा कोरिया चली। Hey! तुम दिल की धड़कन में रहती हो। Hey! यारा ओ यारा, ऐसा हमारा लेके तो मैं जाऊंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम हट। ये शाहरुख का गाना है। हाँ तो रोमांस में शाहरुख का कोई जवाब नहीं, और एक्टिंग में मेरा कोई सवाल नहीं। hey, अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये नहीं सकता। अरे बार बार। और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं और नहीं दूंगा। एक सेकेंड, आप है कौन? एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, शाम आए तो उसको कहना सुबह आए, और चेनू आए तो बताना ही मत कौन आया था। रुक जाओ, ये पैसे मेरे हैं। इसने मुझसे 10,000 रुपए 2 घंटे के लिए रेंट पर लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चपड़ घंजी हमसे धोखा करती है। देखो, तुम्हें पता नहीं लेकिन पिछले जन्म में ये मेरे बॉयफ्रेंड थे। कौन? ये धोखा देकर भाग गए, वो भी इस छोरी की वजह से। शुक्र है उन्होंने धोखा दिया, मैं आता मैं धक्का दे दूंगा। तुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाता, उन्होंने गर्लफ्रेंड कहां से बना लिया? झूठ बोल रही है। ये पिछले जन्म की बात है, तुम नहीं समझोगे कप्पू। झूठ बोल रही है, पिछले जन्म में तो तू लड़का थी। नहीं, मैं दरभंगा की राजकुमारी थी और ये देवनगर के राजकुमार। अचानक मिले, आंखों से आंखें मिली और फिर इन्होंने कहा कि अपना इलाज कब कराओगी ऐसे? नहीं, इन्होंने कहा कि तुम कितनी सुंदर हो। और फिर तुम्हारी मम्मी ने ऐसे कहा, चल उठ के बर्तन मांजने का, कब तक रहेगी? यही हुआ था ना? सरला, तुम कुछ भी बोलती हो आगे। नहीं, ये सपना नहीं, सच्चाई है। मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, इनकी हंसी निकल गई। हसीन लड़कियों को देख के हंसी नहीं निकलती, आह निकलती है, तुम्हें क्या पता। एक मिनट,
हेलो बलदेव, पर तुम लोग इसके साथ पत्ते खेलते चलो ठीक है, इसको सुबह सुबह पिलाया मत करो, इधर आके तमाशे करती है फिर ये। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। राजकुमार, आपने इनके लिए मुझे छोड़ दिया, इनके लिए इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 1990 में सिद्धू बारी सेंचुरी मारने वाले थे, यही बातें सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे को खेलना ही नहीं, मैं जा देखो कप्पू, तुम एक वीरांगना का मजाक उड़ा रहे हो। ये हाथ देखो, आग में तपके बने हैं। हाँ तो हलवाई के तंदूर में से रोटियां निकाल के भागेगी तो हाथ तो तपेंगे। अच्छा सरला, एक बार बता, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ। क्या? इधर से जाने का क्या मांगता है, कितना लेगी? युद्ध, जो जीतेगा राजकुमार उसका। निकाल तलवार। भाई तैयार हो जाओ, राजकुमारी अब सलाद काटेंगी। लिसन, वो लग रहा था बहुत लंबा। अच्छा, ये जो तलवार है ना, इसके कद से मैच कर रही है। मैंने सोचा लंबी निकालेगी, उतनी ही निकाली है। कवर इतना लंबा है। देखो अभी राजकुमार को कुछ याद नहीं आ रहा, अमावस्या की रात होगी ना जब, उस वक्त आना हाथ में मोमबत्ती लेके, तब उनको याद आएगा। ठीक है, चलो शाबाश। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, चांद को बोलना 10 बजे तक आ जाए। म्युनिसिपैलिटी का पानी है, 10 बजे तक आ जाएगा जो। अच्छा ठीक है, जाओ और सोच के आओ कल क्या बन के आना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।